एक तरफ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा ही मामला आज फिर से आया सामने। मामला थाना नसीपुर के गांव घोड़ा का, जहां एक नवविवाहिता को उसके पति और सास ससुर और ननद ने पीट पीट कर मार डाला। मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक सभी लोग फरार हो चुके थे। एसपी देहात का कहना है कि उनकी तलाश जारी है और उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता राजा यादव की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश, क्या मामला है पूरा? लड़की दहेज के पीछे मारी है। कहाँ थी आपकी लड़की? लड़की गुड़गांव में। जब किसने मारा पता लगा? उनकी सास ने और नंदन ने और दामाद ने सब घर ने ही मारे। दहेज में क्या क्या मांगे करते थे वो? दहेज में फोर व्हीलर गाड़ी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसा भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र है। नागेंद्र, क्या मामला है? हमारी बहन को पीट मार पीट कर सास नंद ने और ससुर ने और उनके हस्बैंड ने 4-5 दिन पहले घर से लेके आए, उसके बाद उनको मार पीट करी और शहर पिला दिया और उनकी बहन को मार पीट करके शहर पिला दी, उनकी मौत हो गई। हाँ। अच्छा, आपको सूचना किसने दी थी कि वो? हमारी छोटी बहन ने, जो मैंने उसी गांव में उसी दिन शादी की थी। शादी को लगभग कितना टाइम हो गया? 5 महीने हो गए। तो क्या वो जो आपके पति बहन के पति वगैरह हैं वो लोग घर पर हैं या फरार हैं? फरार हो रखे हैं वो सारे लोग, घर में ताला पड़ा हुआ है। आपने कोई सुनवाई नहीं हो रही है? किस थाने का मामला है? नसीपुर थाने का। एक नसीपुर क्षेत्र के गुड़ा गांव में एक नवविवाहिता की पीट पीट के ससुरालियों ने दहेज के लिए हत्या कर दिया, किस तरह का मामला था? थाना नसीपुर के गुड़ा गांव का एक मामला आया है। रात में एक महिला की डेड बॉडी मिली है और वहाँ पे जब पुलिस की सूचना मिली है, पुलिस पहुँची है तो वहाँ कोई और नहीं मिला है। उसके मायके के लोग आए हैं, उन्होंने उसके ससुरालू जाने पर मारपीट की हत्या करने का आरोप लगाया है। उसके सास ससुर और पति के खिलाफ उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई कराई जा रही है और वो अभी उसके ससुरालीजन भगे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।